मेरा नाम, मैं हूँ श्रिया पोपट और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज के ब्लॉग में मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी कि मैं अपने कथक परफॉर्मेंस के लिए कैसे रेडी होती हूँ। मैंने आई थिंक 2 साल पहले गेट रेडी विथ मी फॉर अ कथक परफॉर्मेंस किया था एंड वो बहुत एक रैंडम अटेम्प्ट था एंड मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। आज भी लोग उस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं। मैंने सोचा कि एक और बना देती हूँ। उसके अलावा भी मैंने यू नो वेडिंग वगैरह के लिए जो गेट रेडी विथ मी है वो मेहंदी और मेरी बहन की शादी वो सब किया है, तो उस सब की मैं लिंक्स डाल दूँगी। बट ये वाला जो है, दिस इज़ द सेकेंड अटेम्प्ट एंड आज जो मेरा परफॉर्मेंस है वो पैंडमिक के बाद वाला है, यानी कि ये डिजिटल परफॉर्मेंस होने जा रहा है। एंड जब तक ये ब्लॉग जाएगा तब तक वो परफॉर्मेंस हो चुका होगा स्ट्रीम, बट यू विल गेट टू वॉच द स्निपेट्स ऑन माई इंस्टाग्राम। तो अगर आप वहाँ पर मुझे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो ज़रूर फॉलो करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो जल्दी से पॉइंट पर आते हैं। तो आज जो मैं पहनने जा रही हूँ वो है एक फ्रॉक। रंग के कारण मैंने येलो चूज़ किया है बिकॉज मैं भगवान विष्णु से जुड़ा कुछ प्रस्तुत करने जा रही हूँ और भगवान श्री राम से भी, सो दैट्स वाई आई चूज द कलर येलो। और साथ में जो जैकेट है और जो दुपट्टा है वो एक सी ग्रीन कलर का है। और ये जो परफॉर्मेंस है वो मैं एक स्टूडियो में शूट करने जा रही हूँ एंड वो स्टूडियो तो बगल में ही है पर जो टाइम स्लॉट मिला है वो रात के 9 बजे का मिला है, इसलिए दिन भर मेरे पास बहुत समय था और बहुत फुर्सत से मैंने अपनी जो परफॉर्मेंस की तैयारी के अलावा जो रेडी होना है उसका भी सब कुछ पहले से कर लिया है। सो दैट लेट मी शो यू कि मैंने एडवांस में क्या क्या तैयारी कर ली। सो सबसे पहले मैंने शुरू किया अपने दुपट्टे को प्लीट करना। ये मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि रेडी होते समय मुझे सिर्फ इस दुपट्टे को सेफ्टी पिन से अपने फ्रॉक से जोड़ना रह जाएगा। प्लीट करना जो सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग काम है मेरे हिसाब से, वो मैंने एडवांस में कर लिया है। तो इसके लिए मैंने कुछ नहीं किया, सिंपली जो साइज़ की थिकनेस की मुझे प्लीट चाहिए मैंने वो बनाकर उसे इस तरह से क्रिस्पली सेट कर दिया है। और उसका मैं लेंथ, क्योंकि मुझे वी शेप में सेट करना है, तो उस हिसाब से चेक कर रही हूँ। एक साइड पे शॉर्ट और एक साइड पे लॉन्ग रखा है बिकॉज एक साइड से मुझे उसे सर पर लेना है, तो इनफ दुपट्टा होना चाहिए। एंड जैसे ही मैं सेटिस्फाई हो गई मैं सेफ्टी पिन लगा रही हूँ। मैंने इसे एक 3 लेयर्स में रखा है, एक के ऊपर एक नहीं रखी है प्लीट, तो थोड़ा ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो एक को दूसरे और दूसरे को तीसरे लेयर से जोड़ रही हूँ पिन से, सेम ऑन द अदर साइड। बस दैट्स इट एंड अब मैं फोल्ड करके रख रही हूँ उसे। नेक्स्ट मैंने अपनी जो हेयर क्लिप्स हैं, यू पिन्स, बॉब पिन्स, टिक टैक पिन्स, सेफ्टी पिन्स, इन सबको लास्ट टाइम जब भी यूज़ किया था एक साथ एक बॉक्स में रख दिया था, पर रेडी होते समय ढूंढना फिर बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो जस्ट टू मेक माई लाइफ ईजी मैं इसे एडवांस में सेग्रीगेट करके एक बॉक्स में रख रही हूँ। एंड इसी तरह मेकअप को भी एक पाउच में रख दिया है, ज्वेलरी को भी सेट कर दे रही हूँ, चेकिंग इफ एवरीथिंग इज़ इन प्लेस। That's it, पायल, earrings, bangles भी सेट कर रही हूँ। येलो ड्रेस है, ग्रीन है उसमें, तो उसी की मैचिंग bangles ले ली है। एंड बहुत सिंपल वे में आई एम जस्ट गोइंग टू सेट इट, दो येलो एक ग्रीन, दो येलो एक ग्रीन। और ये bangles अलग ना हो जाएं शाम तक, इसलिए उन्हें satin ribbon से बांध रही हूँ। मैंने नेल पेंट पैर पर 3 दिन पहले लगाई थी, तो जस्ट टू फ्रेशन इट मैं एक और कोट लगा रही हूँ, क्योंकि पास से भी हम फुटवर्क की शॉट्स लेते हैं तो अच्छे दिखें पैर। एंड लास्ट, मुझे जो भी बोलना है वीडियो में, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, बीच में, उसका मैं एक लिस्ट बना रही हूँ सो दैट आई डोंट फॉरगेट। सो अब मैं बैठ गई हूँ एक्चुअली रेडी होने। इस समय बज रहे हैं 7:15। डोंट वरी, मुझे इतना समय नहीं लगता है, वो तो क्योंकि मुझे व्लॉग करते करते आप सभी से शेयर करते करते रेडी होना है। और आज मैं बहुत निश्चिंत हूँ परफॉर्मेंस को लेकर भी, ऑनलाइन है, पहले से भेज देना, बहुत सारे फैक्टर्स है, सो आई एम वेरी रिलैक्स।
सो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपने हेयर स्टाइल से स्टार्ट करती हूँ। आज मैं साथ में ही आप लोगों से बात करते करते करती जाऊँगी एंड वी नीड नॉट टू अ वॉइस ओवर व्लॉग। सो लेट्स स्टार्ट। सो मैंने बेसिक अपने बालों को कोम कर लिया है एंड यूजुअली मैं इस तरह से मिडिल पार्टिंग करती हूँ क्योंकि मांग टीका रखते हैं। बट यार मैं ना ऑनेस्टली इरिटेट हो चुकी हूँ मांग टीका पहनने से। चाहे जितना मैंने ट्रांसपेरेंट नेल पेंट, सेलो टेप और सब ट्राई कर लिया, बट आई एम वेरी कॉन्शियस अबाउट इट ऑन माई हेड एंड दैट्स वाई नाउ आई डोंट वॉन्ट टू वेयर इट अंटिल आई कम अक्रॉस अनदर हैक। सो वॉट आई एम गोइंग टू डू इज टूडे मैं एक साइड पार्टिंग ही करने वाली हूँ। मैं सिर्फ इन बालों को जो आगे के हैं उनको पीछे ले लूंगी और पिन कर दूंगी और लेफ्ट साइड पे भी ऐसे ही करूंगी। सिंपल। और आज तो सर पे दुपट्टा आएगा इसीलिए मैं कुछ बैक कॉम्ब पफ ये वो कुछ भी नहीं कर रही बिकॉज सब मेहनत जो है वो छिप ही जाने वाली है। एंड ये वाली जो सिंपल जो बॉबी पिन क्या कहते हैं इसको बॉब पिन्स वही यूज़ कर रही हूँ। इसमें तो मैंने रियलाइज़ किया है कि पिन्स जितनी पुरानी होती है उतनी ज़्यादा मजबूत होती है। आजकल की ये जो ग्लॉसी एंड ये वाली पिन आती हैं वो बहुत ज़्यादा ही टाइट है। तो ये ऊपर का हो गया है। अब मैं सोच रही हूँ आज बन बनाऊँ। सो मुझे पर्सनली ऐसा लगता था लाइक व्हेन आई स्टार्टेड परफॉर्मिंग एट अ वेरी लाइक व्हेन आई वाज इन माय टीन्स तो वही होता था ना कि हाँ जो बताया जाए कि जूड़ा पहनना है तो जूड़ा ही पहनना है। तो मैं बन बनाती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत बड़ी बड़ी लग रही हूँ और बड़ी सी बिंदी एंड आई टू फील कि नहीं यार कुछ और हेयर स्टाइल क्यों नहीं कर सकते। एंड देन आई स्टार्टेड मेकिंग अ प्लैट और जैसे हम प्लैट यहाँ पर वेस्ट पे उसको जोड़ देते हैं कमर पट्टे से या किसी से लिंक कर लेते हैं तो अच्छे से चक्कर वक्कर में भी निकलता नहीं है। बहुत अभी तो कितने साल से मैं चोटी कर रही हूँ, मैंने त्याग दिया है बन बनाना। बट रिसेंटली मैंने किसी और चीज़ के लिए बनाया था पन एंड वो बहुत टाइट अच्छे से रहा था। सो एंड नाउ आई थिंक इट ऑल्सो सूट्स माई फेस एंड प्लस आज तो हम लोग सर ढक रहे हैं तो पता नहीं चलेगा कि बन है या क्या है। सो आई वॉन्ट टू गिव इट अ ट्राई। तो पहले मैं चोटी बांध रही हूँ। तो इस तरह के एक बकल से उसको पहले सिक्योर कर रही हूँ। ओके अब इसके सहारे से मैं जूड़ा पिन डालूंगी। इस तरफ वाला भी ये निकाल कर पहले एक रबर बैंड बांध रही हूँ। तो अब तो नहीं ही निकलेगा। ठीक है तो बाल बन गए। फर्स्ट आई एम गोइंग टू अप्लाई द मॉइस्चराइजर, ये हाइड्रो बूस्ट जेल वाला, ओके न्यूट्रोजेना का। तब मैं स्टार्ट कर रही हूँ बेस, जिसके पहले मैं लगाऊंगी प्राइमर। ये कलर बार का प्राइमर है। अब हम लगाएंगे कंसीलर। सो एक टिप जो ये जिससे आप फाइनली फाउंडेशन लगाते हैं तो इससे मैं क्या करती हूँ स्प्रे कर देती हूँ पानी इसमें
या नल के नीचे थोड़ी देर, सो और दैट 10 मिनट इसको इसको रख के, यानी जब तक बाकी के स्टेप्स हो रहे हैं मेकअप के, तरह तब तक ये से थोड़ा फूल जाता है और फिर घुमा इतना सॉफ्ट और कर मुलायम होता है। ये रियल टेक्निक का ब्यूटी ब्लेंडर है, बट कोई भी स्पंज से ऐसा ही होगा बिकॉज इट्स स्पंज एट द एंड ऑफ द डे। एंड उसके बाद मेकअप बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है, सो डू दैट। सो ये मैं धो चुकी हूँ और साइड पर रख चुकी हूँ। कंसीलर मेरा क्रायोलान का कंसीलर है आइवरी। ये मैं तो पैंड्रा में वाटरफील रोड पे इनका जो स्टोर है वहीं से हम लोग लेकर आते हैं। मैं बता दूं, मैं कोई मेकअप की एक्सपर्ट नहीं हूँ, जितना जो कर करके सीखी हूँ वही करती हूँ। तो अगर मैंने कभी कुछ टेक्निक वाइज या टेक्निकल पॉइंट में गड़बड़ बता दिया हो तो प्लीज़ इग्नोर करना या एडुकेट करना मुझे कमेंट्स में कि नहीं ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है। फाउंडेशन लगाएंगे, ये मेकअप फॉरएवर का HD फाउंडेशन है, ख़त्म ही नहीं हुआ आज तक, तो मैं यूज़ अभी भी कर रही हूँ। सो जब ऐसे कोई शादी या कुछ होता है तब मैं इसमें या तो मॉइस्चराइज़र या जो स्ट्रोब क्रीम होता है हाइलाइटर, ये देखिए कैसा हो गया ब्लेंडर, वो मिक्स करती हूँ फाउंडेशन में। बट आज क्योंकि हम स्टूडियो में कर रहे हैं जहाँ पे बहुत ब्राइट लाइट्स होगी, सो आई डोंट थिंक आई नीड अ शाइनी फेस। Blend till eternity. और ये जो ठंडा ठंडा गीला गीला टच होता है ना स्किन पे, आ हा हा हा, अच्छा लगता है बहुत। और ये फ्लैट साइड से अब मैं बस इसको, पता नहीं अपने मन में, मेरे मन में ऐसा है कि ये करो तो सेट हो जाता है, तो मैं वही कर रही। पता है कोई भी अच्छा जो आर्टिस्ट होता है कहते हैं क्या है, मतलब लाइक ट्रेट्स ऑफ अ गुड आर्टिस्ट, लाइक इफ यू आर अ डांसर तो ऑब्वियसली डांस में ऐसा हो वैसा हो, वो सारे जो क्वालिटीज़ है वो तो होने ही चाहिए, बट यू शुड ऑलवेज नो हाउ टू डू योर ओन, मतलब आपको जो रेडी होना है, खुद तैयार होना आना चाहिए, अपने बाल, अपना मेकअप। क्लासिकल डांस में मैंने तो नहीं सुना कभी, मतलब आई डोंट नो कि अगर ऐसा होता है कि हाँ एक मेकअप आर्टिस्ट और एक हेयर आर्टिस्ट लेकर चल रहे हैं, ये एक ना कर करके सालों से हैबिट हो जानी चाहिए, और खुद अपने बॉडी को क्या सूट करता है, अपने फेस को क्या सूट करता है, वो अपने आप उतना सेंस तो होना चाहिए। डेफिनेटली मेकअप आर्टिस्ट दे आर आर्टिस्ट इन द सेंस दैट दे कैन डू इट ऑन देयर फेस, अदर्स फेसेस दे अंडरस्टैंड इट एंड देन डू इट, बट एज एन आर्टिस्ट जब आप परफॉर्मिंग आर्ट या किसी में हो तो खुद वो सेंस होना चाहिए लाइट्स में एंड कैमरा पे कैसे होना चाहिए, तो आपकी नैया पार हो जाए। ओके चल डन, अभी अच्छे से ब्लेंड हो चुका है, अब हम कॉन्टोर करेंगे। सो मैंने रिसेंटली एक छोटा सा ब्रश लिया, ब्लेंडर लिया जिसके एजेस ही ऐसे हैं फॉर कॉन्टोरिंग, एंड आई जस्ट ट्राइड एंड मुझे लगा कि it's working, so I've continued. Now this has become a step in my thing. Okay, now I need the mirror very carefully. मेरा प्यारा सा डबल चिन। ये सेल्फ लर्न चीज है, बस हाँ ऑब्जर्व किया है जब कभी टीवी पे जब वर्क किया है मैंने मेकअप आर्टिस्ट, हैव डन दिस, तो
बस आई कीप ट्राइंग एंड लर्निंग, आई एम नॉट टीचिंग, आई एम जस्ट एक्सपेरिमेंटिंग एंड सीइंग. सो हम लेंगे एक ब्रश और आई शैडो पैलेट, ये नायका का है, क्रश्ड बेरीज. कुछ नहीं करूंगी यार, क्या दिखने क्या वाला है दूर से, गोल्डन थोड़ा सा करूंगी बस और क्या. थोड़ा मैं पिंक लगाऊंगी ताकि लगे यहाँ कुछ तो किया है. ये जो है ना स्केच पेन, ये है सुपर लाइनर फ्लैश कैट आई, बेसिकली लॉरियल का है, लॉरियल का है, हाय. स्केच पेन है, मैंने कभी लिक्विड लाइनर यूज़ ही नहीं किया जब से मुझे याद आया, थिंक मैं ये यूज़ कर रही हूँ, नहीं तो कोई दूसरा लिक्विड लाइनर लगा के दे देता था जब नहीं इन्वेंट, ये नहीं स्टार्ट हुआ था प्रोडक्ट. तो मैं पहले दोनों साइड पे बेसिक लाइन कर रही हूँ. लेफ्ट साइड पे ये जो दिख रहे हैं आपको इसके बाल, ये मुझे इरिटेट कर रहा है. तो पहले एक अपनी स्किन स्ट्रेच करके मैंने उसी एंगल में आईब्रो की तरफ ले लिया फ्लिक, और फिर उसको एक पतला ट्रायंगल बनाकर एक समझ जाइए अब बस आप लोग, एक में एक हो जाता है. बट ठीक है, अच्छा लग रहा है, इट्स फाइन. अब जो मेरा ज्यादा मैं करती हूँ ना वो है अंदर के साइड पे एक्सटेंड करना, जिससे थोड़ा मेरी भाषा में कैट आई लुक आता है. अब हम काजल लगाएंगे, काजल लगाएंगे, रेवलॉन काजल जिंदाबाद. कोशिश की थी हिमालयन यूज करने की बट वो तो फैल जाता है. ये ना जब मैंने शुरू किया था एक्टिंग तभी अपना सब सेट लिया था पूरा, तब से यही ब्रशेज है, पता भी नहीं कौन सा ब्रांड है, अच्छा है बुरा है, काम कर रहा है वही बहुत है. मैंने नोटिस किया है, आई डोंट नो कितना सही है, पर जो लोग ये सब करते हैं ना डांस ड्रामाज और फोक डांसेस, जब राधा कृष्ण दिखाएंगे रासलीला रामलीला, वो जो सारे डांसेस होते हैं ना, जो लोग 15-15, 20-20 मिनट में रेडी हो जाते हैं, इतनी बार कर चुके हैं, दे डू अ लॉट ऑफ लेयर्स, बाल में इतना सब एक्सेसरीज, दैट्स जस्ट ब्यूटिफुल. वो लोग का आप मेकअप देखोगे ना तो कुछ नहीं, ये ब्रांड वो ब्रांड जो मिला मस्त कर देते हैं वो लोग, और दूर से स्टेज पे सुंदर लगता है, दैट्स व्हाट्स इम्पॉर्टेंट. आई डोंट थिंक वो लोग इतना उसमें ये टेक्निक और ब्रांड और लास्टिंग और आई मीन आई एम नॉट श्योर बट आई डोंट थिंक वो करते होंगे. So, I feel I am like बीच में कि हाँ पुराना एक्सपायर्ड प्रोडक्ट, कौन से ब्रांड का पता नहीं, बस लगाओ जब तक चल रहा है, एंड थोड़ा थोड़ा नॉलेज के हिसाब से भी करो, अवेयर भी रहो. और ये जो एक मस्कारा भी कैसा जुगाड़ू, मुझे कोई हुडा ब्यूटी का नायका से साथ में फ्री आया है ट्रायल, वो यूज़ कर रही हूँ, नहीं तो मैं वो ट्रांसपेरेंट वाला यूज़ करती. Simpler. Come on, see you after I change my clothes.
ये है मेरी फ्रॉक। तो हम लोग जब स्टिच करते हैं तो कपड़ा बचाने के लिए, क्योंकि यहाँ तो जैकेट आता है, तो टेलर ने बस सजेस्ट किया कि यहाँ पर प्लेन कपड़ा रखो, एंड क्योंकि जैकेट से कवर हो जाएगा। सो दैट्स व्हाट वी डन। ये है कोटी जैकेट। सो येलो के साथ मैंने बहुत, आई नो बहुत कलर्स जा सकते हैं, मैच हो सकते हैं, बट ये मुझे थोड़ा यूनिक कॉम्बिनेशन लगा, इसलिए आई वेंट इन फॉर दिस दिस कलर। ये। सो अब हमने जो प्लीट करके रखा है, दुपट्टा, उसे हम पहनेंगे। अब देखो, अब मैं बैठ के वो प्लीट का झमेला करती, उससे ज़्यादा आसान था कि मैंने पहले से ही कर लिया। तो अब ऑल आई हैव टू डू इज़ ये पिन निकाल के, मतलब इसके साथ जोड़ दो, इसको इसके साथ जोड़ दो, इसको इसके साथ जोड़ दो। ओके सुनो, मेरा जो एक्चुअल सेट था ना ऑर्नमेंट्स का, सो ब्यूटीफुल, इतने साल से मैं पहन रही हूँ, वो कई बार उसके धागा निकल चुका है, तो हमने उसको वो किया है बार बार, क्या कहते हैं, रिपेयर, पर नाउ आई थिंक उसकी लाइफ ख़त्म हो गई है। मैंने ये एक फॉर द टाइम बीइंग ले लिया है, क्योंकि वो इतने साल पहले लिया था कि अब सेम टाइप का मिल नहीं रहा है, डीलर या यू नो किससे लें। वैसा बहुत लोगों ने मुझसे पूछा भी लास्ट वाले गेट रेडी में कि कहाँ से लिया है एंड ऑल, इट इज़ जेन्युइनली प्रिटी, पर अब कितना टाइम चलेगी कोई चीज़ यार, और उसको इजिली 8-9 साल हो गए। और ये ना उछले, इसके लिए भी तो पिन तो लाना पड़ेगा ना। इसको जो है हम ऐसे रखेंगे, और फिर देखेंगे कि सर यू 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 करने की जगह है कि नहीं। ये बड़ा अच्छा होता है, ये लास्ट में कर दूंगी, वो लास्ट में कर दूंगी, क्या क्या लास्ट में कर देंगे, अगर सब कुछ लास्ट में करेंगे तो लास्ट में क्या करेंगे। खींच के डालना है, वाह, ये होता है तकलादी माल। ज्यादा ग्रीन ग्रीन लग रहा है मुझे तो। ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। वेल ड्राइड, सो आई एम रेडी। देखो कोई है नहीं मेरा शॉट लेने के, तो मैं ही पकड़ के घूमने जा रही हूँ, बट यस, सो आई थिंक मैं आज का वीडियो यहीं पर एंड करूँगी, क्योंकि गेट रेडी विथ मी मैं रेडी हो गई हूँ, पर अब जाना है शूट करने, सो आई वॉन्ट टू कम्प्लीटली फोकस देयर, बीच बीच में वीडियोज़ नहीं लेने हैं आज। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, लाइक करिए इस वीडियो को, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, हम लोग ने 2500 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर लिए हैं, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी। और बस मैं आपसे मिलूँगी अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए ध्यान रखिए। Take care. Pranam. Bye-bye.